हमारे साथ सुबैदा खातून के पति, नगर पार्षद उपाध्यक्ष और एक जुझारू नेता जाहुल हक तारजन जी हमारे साथ हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अपनी पत्नी को जिताने का बेड़ा इन्होंने उठाया है और जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तारजन जी, सबसे पहले न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। ये बताइए कि जो पिछला चुनाव सुबैदा खातून एक बार जीत चुकी है, फिर से दोबारा चुनाव मैदान में, कितना फर्क दिख रहा है उस बार का चुनाव और इस बार का चुनाव? जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले न्यूज 11 को, न्यूज लाइन मधुपुर को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको, समद साहब को, राम झा जी को। देखिए, चुनाव आते जाते रहता है। मैं सर्वप्रथम कौरव प्रखंड पूरा जब ये था जिला परिषद क्षेत्र, तो मैं वहां से चुनाव जीता था। उस वक्त यही बलवीर जी की पत्नी जो थी, हमारी पत्नी से वो चुनाव हार गई थी। दोबारा जब चुनाव हुआ तो एंटी कम्बेंसी होता है और लोगों को लगा कि नहीं, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। चेंज हुआ, परंतु मैंने अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के लोगों को कभी संपर्क नहीं छोड़ा और मैं इस इंतजार में रहा कि जनता दोनों को देखे बेहतर कौन है। तो ये जो 5 और 2 साल एक्सटेंशन, 7 साल का जो अनुभव क्षेत्र के लोगों को रहा, वो काफी दुखद रहा। पूरे 7 साल में वो क्षेत्र का न भ्रमण किया, न इलाके के लोगों से संपर्क किया और जो भी योजनाएं आई है उनको अपने निजी लोगों को निजी स्वार्थ के लिए दे दिया है। आम जनता को काफी तकलीफ हुई है। हमारे जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, माइनॉरिटीज हैं, बैकवर्ड्स हैं, इन लोगों के दरवाजे तक तो वो गया ही नहीं है। तो इनका इस बार का जो इलेक्शन है, क्योंकि उन्होंने जात पात का एक नारा लगाने का प्रयास किया, लेकिन कोरोना काल और मेरा जो एक्टिविटी रहा है क्षेत्र में आम जनता का काम करने का, तो लोगों ने सिरे से नकार दिया कि ये जात पात की राजनीति नहीं। तारजन भाई एक ऐसे कर्मठ और वह हमारे नेता है जो सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्मों के लिए निष्ठापूर्वक काम करते, तो इनका लाभ मेरी पत्नी को भारी मात्रा में मिलने जा रहा है। और ये चुनाव काफ़ी बड़ा अंतर में मेरी पत्नी चुनाव जीतेगी सुबेरा जी, ये हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। जिस तरह के लोगों का रुझान है, यह रुझान अगर बना रहा तो बड़ी मात्रा से एक और प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, इकबाल अंसारी जी। नहीं, वो देखिए, ये रुबेदा जी एक्चुअली वो हाउस वाइफ है और वो उतरी नहीं है, उनको बॉम्बे से बुलाया गया, वो कारोबारी है, कपड़ा व्यवसाय है। अब हमारे ही लोग कुछ हैं जिनको मैं आंखों में खटकता हूँ, जिनको हमसे खतरा बना हुआ है, जिनको लगता है कि इस आदमी को जब तक डैमेज नहीं करेंगे तब तक हमारी राजनीति फूलेगी फलेगी नहीं। ऐसे लोगों के द्वारा बॉम्बे से हायर किया गया, वो तो एक हमारे बड़े नेता का नाम लेते फिरता है क्षेत्र में कि उन्होंने मुझे खड़ा किया है। जो लोग हमारे हाजी साहब के अगेंस्ट में चुनाव लड़े हैं, जो लोग हमारे जेएमएम के खिलाफ वो चुनाव लड़े हैं, आज ऐसे लोग अपने आप को जेएमएम कह के मैदान में आया है, तो इसमें हमारे जो नेता है वो दोहरी चाल चला है। एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है, एक तो बाप के विरोधी को बर्बाद करना चाहता है और दूसरे तरफ अपना जो विरोधी है उसको बैकफुट करना चाहता है। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। क्या टक्कर है किसी को? टक्कर नहीं, ये टक्कर उकर का कोई बात नहीं है। 2 कैंडिडेट हैं, एक तो सुबेदा जी हैं और दूसरा हमारा पत्नी जो पत्नी है वो है, ये दोनों मैदान में है और उसके अप्रत्यक्ष रूप से बलवीर जी हैं और मैं हूँ। टक्कर में बहुत दूर का अंतर है। बलवीर तो अपना टक्कर रुबैदा खातून से, हाँ बता रहा है, अगर बलवीर का अपना टक्कर रुबैदा जी से है, इसका मतलब उसका जमानत भी जब्त हो वो हार चुके हैं, उनको दुर्भाग्य है। और 24 तारीख को आप देखेंगे कि उनका किसका टक्कर किससे है। और रुबैदा जी से इसलिए बता रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ये जो गोटी हम खेले हैं, जिनको लाए हैं, इसी के सहारे हम चुनाव जीतेंगे, ये दुर्भाग्य है। तो आप देख सकते हैं अभी तारजन जी से हमारी बातें हो रही थी, साफ साफ कहना कि काफ़ी दिलचस्प होने वाला है भाग संख्या 18 के भी चुनाव, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक बरस भी प्राप्त है कुछ लोगों को, कुछ प्रत्याशियों को, और अलग अलग ढंग से लोग अपने अपने खेल खेल रहे हैं। अब तो आने वाला समय ही बताएगा 24 तारीख कि किसके सर सहरा सजता है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र साह के साथ, न्यूज़ लाइन मधुपुर।